राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, जैसे सुबह का ही टाइम हो रहा है और यहाँ बस जस्ट चाय वगैरह बन चुकी है, चाय वगैरह हम लोगों ने पी। और यहाँ मैं मटर छील रही थी तो नीलम भी आ गई। मैं मना करती जा रही थी जाओ तुम, लेकिन बस बोल रही थी मैं बैठी रहूँगी, बैठना ही तो है। और यहाँ गोलू पढ़ रहे हैं, अपना याद कर रहे हैं। तब तक शिवांशी भी खटपट सुन के उठ गई, मम्मा के साथ में ही सो रही थी तो मैंने बहुत मना किया, यहाँ भैया पढ़ रहे तो यहीं उसका भी मन वहीं लगता है जहाँ ये दोनों होते हैं, तो वहीं पे बोलो भैया भी पढ़ रहा है। गुड मॉर्निंग बोलो, जय श्री श्याम बोलो, गुड मॉर्निंग जय श्री श्याम। हमसे बोलो, उससे नहीं बोलो, हमसे बोलो बुआ जी, बोलो तभी बैठने देंगे यहाँ पढ़ने के लिए। जय श्री श्याम ऐसे करके बोलो, जय श्री श्याम। अब उठ के तुम भी पढ़ोगे? पढ़ो बैठ के, अपनी कहाँ पे किताब ले, उन्हें पढ़ने दो, उनसे मत बोलना। हाँ आप भी पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ा दो। नहीं पढ़ा। बोल। मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? अच्छा आप नहीं पढ़ते हो तो मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो फिर और इसकी गोलू के साथ ज़्यादा ही पढ़ती है। बोले थी मुझे भी पढ़ाओ भैया, मैं भी यहीं पढ़ूंगी, वहाँ नहीं जाऊँगी पढ़ने, यहीं आपके पास में ही बैठ के पढ़ूंगी, ना ही आपको डिस्टर्ब करूँगी, बस मुझे बैठा रहने दो। हाँ और जी कटर मेरे मेरे समय रख दो वरना जे गोलू भैया मेरे खो देगा। क्यों खो देगा गोलू भैया? लाओ छोड़ो, लाम रख देंगे ठीक है। अरे 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 चल आज निकलो, कुछ डिस्टर्ब नहीं करूंगा ना। निकलो मार, निकलो मार दे। आप पढ़ो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बाबूजी हमको भूल गए का? बाबूजी हमको भूल गए? नहीं भूले हम तो। पापा से पूछ के आप बाबूजी भूल गए? और यहाँ देखिए मैं आ चुकी हूँ नहा करके, और अब आपको दिखाऊं हमारे यहाँ एक लल्ला नहीं दो दो लल्ला हैं, यानी कि हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल तो हैं ही, और ये नीलम अपने साथ में लेके आई हैं। तो ये सो रहे थे तो मैंने उठाया हुआ है, ये देखिए उठा के बैठा दिया है, क्योंकि अब मैं ला रही हूँ दूध इन्हें दूध पिलाने के लिए। तो ये नीलम लेके आई हैं, बोल रही थी कि वहाँ दीदी पूजा वगैरह में दिक्कत हुई, मम्मी जी तो क्या इनके पैरों में इतनी दिक्कत है कि पढ़े ना नहा पाती हैं ना पूजा कर पाती हैं, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, और मैं इनकी जिस तरीके से सेवा करती हूँ उस तरीके से सेवा शायद घर में ना हो पाए, इसलिए मैं अपने लल्ला यानी लड्डू गोपाल को साथ में लेके आई। मैंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, क्योंकि वो टाइम टू टाइम नाश्ता खाना दूध पानी बहुत कुछ करती है, तो फिर वो नहीं हो पाता, तो इसलिए वो अपने साथ में लेके आई। और मैं भी लल्ला को देख बहुत ज़्यादा खुश हुई, मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो यहाँ हमने उनको पिलाया है दूध, और नीलम भी बस नहा के आने वाली हैं क्योंकि स्नान वगैरह वही करवाएंगे बोल रही थी थाली में। तो यहाँ नीलम आ चुकी हैं तो नहला रही हैं। हम तो वैसे ही नहा देते थे। और ऐसे टाइम में भी उसे कितना भी टाइम हो जाए नहाए धोने के लिए, बगैर नहाए वो कुछ भी यानी चाय तक नहीं पीती, इतना हम लोग समझाते हैं कि रहने दो, अब ऐसा टाइम चल रहा है। तो बोले बगैर लल्ला की सेवा किया मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ना ही चाय ना दूध। मैंने कहा नहीं वो तो कल ले सकते हैं, बोली दूध। मैंने कहा पापा ही को पहले बनाऊंगी, बाद में उन्हें ज्यादा कब कभी अब मैं देख लूंगी ना, अब तुम्हारा काम जैसे पापा तो फिर थोड़ी करोगी पूजा, फिर तो मैं कल लेकर ड्रेस व्रेस पता चल जाएगी कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं। और उसने नहलाया है और अब कर रही है श्रृंगार लड्डू गोपाल जी का, तो मुझे बताती जाई थी कि इसमें सारा सामान है दीदी, कभी ऐसी दिक्कत आ जाए जब मैं पूजा ना कर पाऊँ तो आप इस तरीके से। मैंने कहा बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे बता भर देना कहाँ क्या क्या सामान है। तो देखिए पूरा श्रृंगार है उनका, और एक एक करके वो उन्हें तैयार कर रही है, मतलब जैसे आप लोग नहला के बच्चे को तैयार करते हैं ना इस तरीके से। बोली थी मुझे कितना भी टाइम हो जाए जब तक मैं इनका नहीं कर लेती तब तक मुझे भूख प्यास लगती ही नहीं है,
नहीं चलो अच्छी बात है, लेकिन इसके चलते फिर तो जल्दी नहा लिया करो। बोलती कि मैं बिल्कुल इसी चलते मैं बहुत जल्दी नहाती हूँ, पूजा पाठ हो जाता है इसके बाद में ही मैं खाती हूँ सब कुछ। तो यहाँ देखिए हो चुके हैं हमारे लल्ला तैयार, कितने सुंदर लग रहे हैं सच में। नीलम बहुत केयर करती है, ये देख लीजिए एकदम बच्चे की तरीके से। स्वांसी स्वांसी करो मोई मोई, किसने किया सच में? हाथ पकड़े सॉरी बोलो, सॉरी। आज से नहीं करोगे बिल्कुल? नहीं करूंगा बिल्कुल नहीं। मोई मोई कर दो, कृष्णा बहुत लटखट होता है। और आज हमारे यहाँ पहले दिन लल्ला आए हैं तो मैं बना रही हूँ उनके लिए खीर। मैंने खीर का भोग लगा देना, तो यहाँ खीर बन रही है। फ्रेंड्स मैं हो गई उसके लिए रेडी, तो यहाँ मैं ले आई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। बच्चों से क्या मैं टप उठवा के रखवा देती हूँ, बच्चों से ही करवाती हूँ, ना ही तो मैं नीलम को उठाने देती हूँ और ना ही मैं खुद ले के आती हूँ। तो ये देखिए एक एक करके और फ्रेंड्स अब हो रहा है शाम का टाइम। मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और इसके बाद तब तक हमारी ये देवरानी लगती है छोटी, वो आ गई दोनों। तो बस फिर क्या है, बैठ के काफ़ी देर तक गपशप हुई, क्योंकि कोई आ जाता ना सच में तो हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब ना तो टाइम का पता रहता है, ना दर्द दुख पीड़ा का पता रहता है। इतना अच्छा लगता है कोई आ गया तो अब जाए ना कम से कम। तो बस यहाँ हमारी चाय नाश्ता भी हो रहा था, बातें भी चल रही थी। और लेकिन शाम होते होते ना मेरी तबीयत एकदम से बिगड़ सी रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बीपी हाई हो रहा हो, एकदम उलझन जैसी लग रही थी। बोलते ना स्ट्रेस हो जाता है काम का भी घर का भी बहुत ज़्यादा, तो ये मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं किया। जबकि अभी रात में 8 बज रहे हैं, मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेके आए। बोले चलता हूँ मैं तुम्हारा पहले चेकअप कराता हूँ कि दिक्कत क्या है, जबकि मैं मना कर रही थी, मुझे ज़बरदस्ती ले आए। तो जब डॉक्टर साहब ने पल्स बीपी मेरा देखा तो सच में मेरा बीपी बढ़ा हुआ था। तो यहाँ मैंने दवा वगैरह इन्होंने दी है डॉक्टर साहब ने। और घर में आके मैंने थोड़ा देर रेस्ट किया, खाना वगैरह खा के। बस अब रात के बर्तन धुलने को रह गए हैं, तो यहाँ मैं साफ़ करी बर्तन। नीलम आई थी साफ़ करने लेकिन मैंने उसको हटा दिया। मैंने कहा हट जाओ, मुझे ठीक लग रहा है। अब वो भी इस हालत में नहीं है कि वो काम कर सके, तो मैं बहुत उसे मना कर देती हूँ, लेकिन वो चुप, मतलब कहीं ना कहीं वो आ ही जाती है। मैं बहुत मना करती हूँ, तो बस मैंने उसको किचन से निकाल दिया। मैंने कहा जाओ तुम रेस्ट करो खाना वाना खा के। डॉक्टर ने जो दवा दी, क्योंकि उसकी भी दवा चल रही, तो मैं यहाँ साफ़ करी हूँ सारे बर्तन। और मैं कर रही थी लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने सेके हुए पराठे, सब्जी बन चुकी है, तो बस बच्चों को लंच बॉक्स तैयार करके दे देती हूँ। मैंने वहाँ नीलम को भी रूम में दे दिया है, क्योंकि उसकी पूजा वगैरह हो चुकी है। बगैर पूजा के तो माल में कुछ खाती नहीं है, तो चाय पराठे सब्जी ये मैंने उसको नाश्ता में दे दिया है, तैयार दे देती हूँ। और बस फिर गाय की रोटी रखी हुई थी, वो मैं अपनी गौरी को खिलाने आई थी, ये देखिए। तो मैंने कहा इनको रोटी खिला दूँ, इसके बाद मैं भी रेडी हूँ जाके। तो देखिए मुझे ही चाटने लगी। और मैं बता दूँ, नीलम के और शिवांशी के आने से घर एकदम भरा भरा हो गया, बहुत अच्छा लगता है सच में। और मेरी भी टेंशन ख़त्म हो गई, कॉल पे बात करती थी सुन लेती थी कि दर्द हो रहा है आज ये हो रहा, तो सुन के टेंशन बना रहता था। लेकिन अब सामने है तो बिल्कुल टेंशन भी ख़त्म हो गई, बाकी हम हैं ही उसकी देखभाल के लिए।
तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे न्यू अपडेट आप तक यूं ही पहुँचते रहें। मिलती हूँ मैं एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय श्री श्याम।